में पहुंचेंगे। पांच तरह की पूजा कौन सी है उसको ठीक से आप सुन लीजिएगा। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में पांच तरह की पूजा का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर कहते हैं भगवती सुनो, कहा गया है कि अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्जिया, ये पांच प्रकार की पूजा है। अभिगमन में आप अपने हाथों से तुलसी तोड़ के लाते हैं, आप अपने हाथों से फूल तोड़ करके लाते हैं, आप अपने हाथों से ही भगवान के बर्तनों को साफ करते हैं, ये पहले नंबर की पूजा है। दूसरे नंबर की पूजा है कि आप अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, आप अपने हाथों से ही पंचामृत तैयार करते हैं, आप दूसरे को नहीं कहते, अपने हाथों से ही भगवान का अभिषेक करते हैं, यह भगवान की दूसरी पूजा है, इसका बड़ा प्रभाव है। तीसरा है योग। योग कहते हैं जोड़ने को। आपके माध्यम से लोगों को बताया गया भैया ये पूजा करो इसमें कल्याण होने वाला है, आप पूजा कर रहे हो, लोगों को भी आपने उसमें बिठा लिया, नहीं तो मैं भी करना चाहिए, ये तीसरे नंबर की पूजा है। आप आरती करते हैं, लोगों को बुला के खड़ा कर देते हैं, परिवार को बुला करके ले आते हैं, ये पूजा है, इसको भी तीसरे नंबर की पूजा कहा गया। और उसके बाद में स्वाध्याय, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, स्तुति सुनाते हो भगवान को, भगवान को कोई भी आप भजन सुनाते हो, कीर्तन सुनाते हो, ये चौथे नंबर की पूजा। और पांचवें नंबर इज्जिया, यज्ञ में आप आहुति डालते हैं, भगवान के लिए आप यज्ञ समर्पित करते हैं, ये पांच प्रकार की पूजा है। और भगवान इससे बहुत संतुष्ट होते हैं, भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। तो जहाँ तक बन जाए तो फूल पत्तियाँ अपने हाथों से तोड़िए, भगवान के बर्तन स्वयं साफ कीजिए, भगवान का अभिषेक खुद कीजिए। और अगली बात बताई गई है कि आप कोई ग्रंथ में से कोई स्तुति सुनाइए भगवान को, कोई अध्याय सुनाइए भगवान को। और पांचवें नंबर की बात है नित्य यज्ञ कीजिए, आहुति डालिए, इसे संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक महात्म्य में हमने इज्जिया पंच प्रकार चाचा क्रमेण कथयामि थे। और भगवान शंकर इसके वक्ता हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पराम्बा को पांच तरह की पूजा बता रहे हैं। तो कलकाल में तो पूजा की बड़ी महिमा है ही। तो तत्वाभिगमनम नाम देवातास्तम आर्जनम उपलेपम च निर्माल्यम दूरीकरणमेव चः। तो इसमें भगवान का उतारा गया निर्माल इत्यादि का वर्णन किया गया है। यह रोजाना भगवान का निर्माल, फूल तोड़ना और भगवान को चढ़ा करके फिर उनको उतारना, इसको अभिगमन कहते हैं, पहले नंबर की पूजा है। बहुत ध्यान से सुनिए, अपने हाथों से आपने फूल तोड़े हैं, माला बनाई है, भगवान को चढ़ाई है, फिर निर्माल्य उतारा है, निर्माल्य चढ़े हुए भगवान को सुला देना, पर्दा डाल देना जघन्य अपराध है, इसलिए भगवान को सुलाने से पहले उनका निर्माल्य उतारा जाता है, फिर निर्माल्य को ठीक से उसको रखें, फिर उसको नदी तक पहुँचाएं, पहले नंबर की पूजा। भगवान महादेव बड़े अद्भुत रूप से बताते हैं, वो कहते हैं देवताओं के स्थान को साफ सुथरा करना, लीपना, उनके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु को हटाना, ये अभिगमन कहलाता है, ये पूजा का सबसे फर्स्ट प्रकार है। वहाँ साफ सुथरा आपने झाड़ू लगाया नहीं, पोछा लगाया नहीं, बस ऐसे ही भगवान को खड़ा कर दिया, उनको नहला करके पानी में डुबा करके रख दिया, नहीं कुछ नहीं होता इससे। अभिगमन, स्थान को साफ सुथरा कीजिए, माला बनाइए, फूल पत्तियाँ, और आपने माला बना के चढ़ाया, फिर रात्रि को उसको उतारा है आपने, तो निर्माल्य को आपने उतारा और उसको ठीक से नदी में प्रवाहित विसर्जित किया, तो इसको अभिगमन पूजा कहा गया, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं के ऊपर जो आपने चंदन चढ़ाया है, बड़ी अद्भुत पूजा है, रोली लगाई है, उनको आपने जनेऊ पहनाया है, आपने उनको मौली बांध दिया, भगवान शंकर कहते हुए बड़े आनंदित मग्न हो रहे हैं, वो कहते हैं ये उपादान पूजा है, भगवान को चंदन अरोली कलावा आपने बांधा, ये पूजा का दूसरा प्रभाव है जिसको उपादान कहते हैं। अपने देवता का अपनी आत्मा से अभेद की भावना करना, जुड़ जाना बिल्कुल, जिस समय पूजा आप कर रहे हैं दूसरों को जोड़ते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतने समय में आप किसी से बात नहीं करते, पूजा में से खड़े होकर के नहीं जाते, ऐसा लगता है कि आप भगवान से जुड़ गए हैं और भगवान आपसे जुड़ गया है, इसको योग कहते हैं, ये पूजा का तीसरा भाव है। नहीं तो बहुत लोग पूजा भी करते रहते हैं, मोबाइल भी सुनते रहते हैं, पूजा भी करते रहते हैं, बीच में चाय पीने के लिए भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान महादेव कहते हैं देवी पूजा का तीसरा भाग है,
उसका नाम है योग। यानी जितनी देर तक आप वहाँ बैठे ईश्वर से जुड़ करके रहिए, जैसे चम्मक लोहे से अलग नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से उतने समय के लिए आप भगवान से अलग ना हो पाए, जुड़ जाए। जैसे पानी पानी में मिलकर के पानी पानी से अलग नहीं होता, उसी प्रकार से तीसरे नंबर की पूजा योग, जिसमें भक्त भगवान से मिल जाता है तो प्रभु भक्त भगवान से अलग नहीं हो पाता, तो तीसरे नंबर की पूजा है जिसका नाम है योग। तो बड़ी आनंद की बात कही, स्वाध्यायो नाम मंत्रार्थ अनुसंधान पूर्व को जप। स्वाध्याय में कीर्तन है, स्वाध्याय में ये चौथे नंबर की पूजा है, इसमें मंत्रार्थ अनुसंधान पूर्वकम जप, संध्या आप करते हैं, सुनिए आप जप करते हैं, माला घुमाते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, स्तुतियां करते हैं, सब चौथे नंबर की पूजा है, जिसमें आप मंत्र का जप करते हैं, श्रद्धा से गायत्री जपते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, ये सब पूजा का चौथा भाग है। इसकी बड़ी विशेषता है, सूक्तम स्तोत्रादि पाठस्य हरि संकीर्तनम तथा, ये चौथी पूजा हरि नाम संकीर्तन है, जप है इसमें। इज्ञा नाम स्वदेवस्य पूजनम च यथार्दनम। इज्ञा नाम भगवान को जो आप भोग लगाते हैं, ये पांचवें नंबर की पूजा है। ठाकुर जी को भोग, भोग के बिना तो पूजा ही कहाँ पूरी होती है, उन्हें आहुति डालते हैं, उन्हें आप दूध का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, यज्ञ कुंड जलाएं, उसमें आप आहुति डालें, यह पांचवें नंबर की पूजा है। इति पंच प्रकार चाचा कथिता तब सुब्रते साष्टी सामिप्य सालोक्य सायुज्या सारुणा क्रमान। ऐसे लोगों को भैया सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, ईश्वर उन्हें कभी भी छोड़ करके दूर नहीं जाता। इस तरह से की गई पूजा क्रमशः यह सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति भक्तों को भगवान प्रदान कर देते हैं। भगवान ने यह बड़ी अद्भुत बात कही है, उसके तत्पश्चात भगवान महादेव ने भगवान सालराम के पूजन की बात कही। कलकाल में सालराम भगवान हाल ही सिद्ध हो जाते हैं, भगवान ने सालराम की महिमा अपने मुंह से बहुत ज़्यादा बताई। नारायण पद्म गदा चक्र शंखा युदयी क्रमात्, जो सालराम भगवान के पास में शंख चक्र गदा और पद्म रख करके तुलसी पत्र चढ़ा करके जो भगवान नारायण का वंदन पूजन करते हैं, ऐसे भगवान उन लोगों के घर से कभी दूर नहीं जाते। इस प्रसंग को और कल आप सालराम भगवान की क्या महिमा भगवान ने कही है, इसको आप कल बहुत ठीक से आप सुन पाएंगे। अभी हमने पांच तरह की पूजा का क्रम आपके बीच में रखा है मंगलवाणी कार्यक्रम से, और इसमें कुछ भी आपको थोड़ा सा ठीक लगाए, बढ़िया सा लगाए, तो यह वीडियो लोगों के पास आगे आप जरूर भेजिएगा, इससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। कार्तिक महीना चल रहा है, भोर में आप जल्दी जाग ही रहे होंगे, खाली जाग करके बैठने से कुछ नहीं होता, स्नान करके तुलसी फेरी लगाएं, दिए जलाएं, माँ को वंदन प्रणाम करें, पर डे रोजाना एक तुलसी पत्र आपके पेट में रोज पहुंचे, ये कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह मैंने कुछ बातें आपके बीच में शेयर की हैं, और ये जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं वो पद्म पुराण के पाताल खंड से ये बातें मैंने आपके बीच में रखी। पद्म पुराण पाताल खंड है और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, और जिसके वक्ता स्वयं भगवान महादेव हों और जिसकी श्रोता स्वयं भगवती माता पार्वती हो, फिर उस कथा का तो कहना ही क्या। आप में से बहुत परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पांच प्रकार की पूजा पहली बार सुनी होगी। मुझे विश्वास है कि भगवान को जगाने से पहले आप झाड़ू बुआरी करेंगे, वहां पर पोंछा इत्यादि लगाएंगे, अपने हाथों से भगवान के लिए फूल तोड़ेंगे, अपने हाथों से भगवान की माला बनाएंगे, भगवान को माला पहनाएंगे भी और रात्रि को फिर निर्माल को उतारेंगे भी। तो पहले नंबर की पूजा, दूसरे नंबर पर उपादान भगवान को चावल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, भगवान को प्रमुख रूप से चंदन और रोली, ये उपादान है। तीसरे नंबर पर योग पूजा बताइए, तीसरे नंबर की जिसमें आप जब पूजा में बैठ जाते हैं तो हटते नहीं है, आप किसी से बात नहीं करते हैं, आपकी एकाकार वृत्ति बन जाती है ईश्वर के प्रति, तीसरे नंबर की पूजा है। चौथे नंबर में आप जप करते हैं, आप स्तुतियां पढ़ते हैं,
और पांचवें नंबर पर है आप भगवान को भोग लगाते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, आरती उतारते हैं भगवान की और परिक्रमा करते हैं, लंबे होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। पूजा में कोई यदि कोई त्रुटि गलती हो गई है तो उसकी आप क्षमा अर्चना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, इसको कहते हैं इज्ज्या। तो ध्यान में ये बात रहे कि मैंने जो पांच तरह के जो आपको सूत्र पूजा के दिए हैं और आज की मंगलवाणी की प्रमुख बात है, तो इसको बिल्कुल भी भूलिएगा।